गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखा था। सर्कुलेटरी सिस्टम दो चीज़ों से मिलके बन रहा था, ब्लड वेसल्स और हार्ट। हार्ट का क्या काम था? ब्लड वेसल्स के थ्रू एक फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, उन्हीं फ्लूइड्स को पंप करता है हार्ट, या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाता है। एक तरीके से हार्ट मोटर की तरह काम करता है, ठीक है। और जो हमने ब्लड वेसल्स देखे थे वो दो तरह के देखे थे, एक आर्टरीज थी, दूसरे वेन्स थे। एक को ब्लू कलर से प्रेजेंट कर रहा था और दूसरे को रेड कलर से। उसके अलावा हमने जो ब्लड वेसल्स होते थे उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो ब्लड कैरी करता है, और ब्लड के अंदर एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड के अंदर कई तरह के सेल्स होते हैं। उसमें से हमने तीन तरह के सेल्स देखे थे और उनके अपने अपने काम देखे थे। अब आज हम पढ़ेंगे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके बारे में, और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि हम वेन्स क्या होता है, आर्टरीज क्या होती हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, लास्ट लेक्चर में वो जो पल्स रेट के बारे में वो पूरा टेबल बनाने के लिए बोला गया था, वो अगर तुमने बनाया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बनाया हुआ होगा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बना लो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे डिवाइसेस होते हैं उसमें पल्स रेट वगैरह नापने के लिए आता है, लेकिन तुम खुद पल्स रेट डिसाइड कर सकते हो, पता कर सकते हो किसी भी पर्सन के हाथ पे। जैसे प्रीवियस स्लाइड में दिया हुआ था कि थोड़ा सा प्रेस करना, उसके नर्व्स को प्रेस करना, और वहाँ पे थंपिंग साउंड सुनाई देता है, और उन्हीं थंपिंग साउंड्स को कितनी बार वो प्रोड्यूस कर रहा है एक मिनट के अंदर, उससे पता चल जाता है कि हार्ट रेट क्या है। अब हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में। वेन्स के बारे में कह रहा है, वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो हमने क्या पढ़ा था? आर्टरीज के बारे में पढ़ा था कि आर्टरीज जो होती हैं वो पहले टाइप के ब्लड वेसल्स थे जो हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, या फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के छोटे से छोटे सेल तक पहुंचाती हैं, और वो छोटे से छोटे सेल जब यूटिलाइज कर लेते हैं ग्लूकोज को या फिर एनर्जी को, साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट तक जाना है, और हार्ट से होते हुए लंग्स तक जाना है, लंग्स से होते हुए नोज होल्स के रास्ते से, नॉस्ट्रल्स के रास्ते से बाहर निकल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो उसी को बताता है, क्लियर है। तो ब्लड वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ा था कि दे हैव थिक वॉल्स, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है, और अगर वॉल मजबूत नहीं होगा तो हो सकता हो वो वेसल्स फट जाए। दैट्स वाई द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरीज आर थिकर इन कंपेरिजन विद द वेन्स। देर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। तो ये आर्टरीज के साथ में भी होता है और वेन्स के साथ में भी होता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है ब्लड का। जैसे अगर ये हार्ट है, ये हार्ट है, ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ तक आएगा? हार्ट तक आएगा, पल्मोनरी वेन्स से, ठीक है। तो ये और उसके बाद में जो है हार्ट से आर्टरीज से होते हुए कैपिलरीज, बिल्कुल पतले पतले जो ब्लड वेसल्स होते हैं, बिल्कुल ही पतले वाले, उनको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। ये बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, लेकिन जो वेन्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, वो रिलेटिवली मोटे होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें, ये कैपिलरीज तुम अपनी आँखों में देख सकते हो। कई बार तुम्हारी आँखें जब लाल हो जाती हैं तो बिल्कुल पतली पतली नसें टाइप की दिखाई देती हैं, ऐसे जैसे लगता है कि कुछ पेड़ के रूट्स टाइप के हों, ठीक है। तो वही होती हैं कैपिलरीज, बिल्कुल पतले पतले वेन्स के स्ट्रक्चर या फिर आर्टरीज के स्ट्रक्चर। और दूसरा ये भी बोल सकते, कैपिलरी एक जंक्शन होता है जहाँ पे वेन्स और आर्टरीज मिलते हैं, ठीक है। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट तक आया, ठीक है, हार्ट से ब्लड
आर्टरीज से होते हुए कैपिलरीज तक गया, कैपिलरीज से ऑक्सीजन डेफिशिएंट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वेंस से होते हुए हार्ट तक आया, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए लंग्स तक चला गया, और लंग्स से नॉस्ट्रल्स के रास्ते से बाहर निकल गया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अगर ब्लड का फ्लो हार्ट की तरफ हो रहा होगा तो हमेशा वेंस से होगा, वेंस इस्तेमाल होंगे। लेकिन अगर ब्लड का फ्लो हार्ट से दूर हो रहा होगा तो हमेशा आर्टरीज का इस्तेमाल हो रहा होगा। और मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि क्यों ऐसा है। आर्टरीज होंगी तो जो थिकनेस ऑफ द वॉल होगा वो ज़्यादा होगा, और इलास्टिसिटी होगी उसमें ज़्यादा, स्ट्रेचेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर वापस हार्ट तक आ रहा होगा तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है स्ट्रेंथ की, वॉल की, तो वेंस से होते हुए आता और काम चल जाता हमारा। क्लियर है? तो अगर किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि हार्ट से जो दूर जाती हैं, हार्ट से ब्लड जब दूर जाता है तो वेंस के थ्रू ही होता, चाहे वो पल्मोनरी वेंस हो या फिर नॉर्मल वेंस हो, और अगर हार्ट के तरफ आ रहा सॉरी अगर हार्ट के तरफ आ रहा होगा तो वेंस के थ्रू होगा, और हार्ट से दूर जा रहा होगा तो आर्टरीज के थ्रू होगा। तो अब तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन पता है कि क्यों आखिर ऐसा होता है। ठीक है? हाँ, इसमें एक और चीज़ है, वॉल प्रेजेंट होता है कि वेंस से जब हार्ट तक जाएगा तो ब्लड इधर से इधर ही फ्लो होगा, रिवर्स डायरेक्शन नहीं हो सकता। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो मेरे पास में ये एक पाइप है, ठीक है? इस पाइप में ऐसे कुछ फिन्स लगे हुए हैं, ऐसे कुछ फिन लगे हुए हैं जो कि फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है? ये जो फिन मैंने दिखाया हुआ है ये फिन काफ़ी फ्लेक्सिबल, इनको दबाने पे दब जाएंगे। अब तुम खुद अज्यूम करो, इधर से मैंने अगर पानी फेंका, पानी डाला, तो पानी बड़े आसानी से इधर से चले जाएंगे और ये फिन जो है वॉल की तरफ जो है चला जाएगा, ठीक है? वॉल की तरफ फिन चला जाएगा और बड़े ही आसानी से पानी फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर दूसरे डायरेक्शन से आना होगा ब्लड को, दूसरे डायरेक्शन से ब्लड को आना होगा, तो ये फिन के ऊपर जोर देगा और ये फिन एक दूसरे के आसपास आ जाएगा, एक दूसरे के सामने आ जाएगा, और क्या ये पानी के फ्लो को ब्लॉक कर देगा? यस। तो इसी तरीके से वॉल्व काम करता है, वॉल्व इंश्योर करता है कि किसी भी तरह के फ्लूइड का फ्लो सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। अब ये जो डायग्राम है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये जो भी बातें अभी तक लिखी हुई हैं उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहा है, ठीक है? पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहा है, इजी है। अगर किसी ने पूछ लिया ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन, तो तुम्हें ये बनाना पड़ेगा, और अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है का क्वेश्चन है तो ये पूरा समझाना भी पड़ेगा कि ब्लड ऐसे फ्लो करता है, आर्टरीज के थ्रू फ्लो कर रहा है या वेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, उस कैपिलरीज तक जाएगा, वहाँ पे क्या होगा ब्लड के साथ में, जो ऑक्सीजन होगा उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा, वो सारी बातें हम वहाँ पे समझाएंगे। अब यहाँ पे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा बॉक्स दिया हुआ ब्लड डोनेशन, और ये अवेयरनेस के लिए भी है। बहुत सारे लोग इसको लेके मिथ वगैरह क्रिएट करते हैं, या बहुत सारे पहले से चला आ रहा है कि किसी एक का ब्लड दूसरे के बॉडी में नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि किसी एक पर्सन का बॉडी, किसी एक पर्सन का जो ब्लड है वो हर किसी के बॉडी में नहीं भेजा जा सकता, लेकिन हाँ कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जिनके बॉडी में भेजा जा सकता है, वो पहले कुछ चेकअप वगैरह होता है उसके बाद ही ये डिसाइड करते हैं। अरे हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइव्स। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स। तो ब्लड को कहाँ पे स्टोर किया जाता है? ब्लड बैंक्स, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े कि कोई भी नीडी पर्सन है उसको प्रोवाइड किया जाए। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी अवेयर पर्सनस हैं,
जो ज़्यादा अवेयर हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो टाइम टू टाइम जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि बिना वो चेक किए ब्लड डोनेट नहीं करवाते हैं, ठीक है। तुम्हें हेल्दी होना ज़रूरी है, अगर तुम हेल्दी नहीं होगे तो तुम्हारा ब्लड वो लेने से मना कर देंगे। तो ये अच्छी बात है, विन विन सिचुएशन है। अगर तुम हेल्दी होगे तभी वो लेंगे तुमसे ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, बूझो, आई एम कन्फ्यूज, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। पहले एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। तो क्या कह रहा है कि हार्ट से जब भी कोई भी ब्लड वेसल या ब्लड वेसल के थ्रू हार्ट से अगर ब्लड जा रहा होगा तो हमेशा आर्टरीज का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि हार्ट एक्सट्रीम प्रेशर डालता है। उस प्रेशर को झेलना वेंस के बस की बात नहीं है, आर्टरीज ही झेल सकती हैं, ठीक है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, क्लियर है। रिफर टू फिगर 11.3, ये जो यहाँ पे दिया हुआ था। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इंटू स्मॉलर वेसल्स? ऑन रीचिंग द टीस्यूज दे डिवाइड फर्दर इंटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपलरीज, ठीक है। तो जब भी ये ब्लड वेसल्स होते हैं, जब ये टीस्यूज तक पहुँचते हैं या सेल्स तक पहुँचते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पतले पतले फॉर्म में कन्वर्ट, पतले पतले ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इन्हीं पतले ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। जो कि मैंने बताया कि तुम्हारे आँख अगर जब लाल होते हैं तो उसमें दिख सकता है। किसी का कान बहुत ही ज़्यादा पतला हो, बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर्ड हो, तो क्लियरली दिखता है। बहुत सारे लोगों के गाल पे दिखता है, ठीक है। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इन टू द हार्ट, ठीक है। तो ये कैपिलरीज ज्वाइन होती हैं और यही वेन्स का फॉर्म लेती हैं, और ये वेन्स जुड़े होते हैं किससे, हार्ट से। तो आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। अभी आज इतना ही समझाने, मुझे लगता है काफ़ी टाइम निकल गया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो जो कि कल है, हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, याद रहे कि ये पिक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है। आज यहीं पर रहने देते हैं, नोट्स कंप्लीट कर लेना और अपना ख्याल रखना, ठीक है। थैंक यू।